₹100 में एक बहुत अच्छा मॉडिफिकेशन आप करवा सकते हैं अपनी होंडा एस पी बी एस सिक्स 2021 मॉडल में, चेकआउट कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑनली होंडा एस पी अवेलेबल है, जो LED हेडलैम्प के ऊपर जो आपको वॉइजर देखने को मिल जाता है उसके ऊपर हम एक बहुत अच्छा स्टिकर लगवाने जा रहे हैं, जो बहुत ही सिंपल एंड सिक्योर है और आपको लॉन्ग टर्म रिलायबल भी रहने वाला है। तो ₹100 में एक बहुत अच्छा मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं अपने बाइक में तो अपने बाइक में करा सकते हैं। इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। आज हमको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं आप उस मॉडिफिकेशन को ₹100 में कैसे करा सकते हैं और क्या कुछ आपको देखने को मिल जाता है उस मॉडिफिकेशन में, कौन कौन से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, कलर कॉम्बिनेशन जो आप फ्रंट के हेडलाइट के ऊपर लगवा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस एक वीडियो में देने वाले हैं। उससे पहले चैनल पर जरूर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं उस वीडियो को और दिखाते हैं आपको कैसे आप करवा सकते हैं। तो हमारी ऑल न्यू होंडा एसपी, आपको फ्रंट में अगर कोई भी स्क्रैचेस लगे रहेंगे तो उसको पहले रिमूव किया जाएगा, देख सकते हैं स्क्रब करके जैसे भी उसको रिमूव कर दिया जाएगा ताकि वो अलग से ना दिखे। जब इसके ऊपर वो कोटिंग होगी, जो भी प्लास्टिक है, जो भी आप बोल सकते हैं, जो भी आपकी जो मैट की कोटिंग हम कराने जा रहे हैं, तो जो भी कोटिंग रहेगी उसमें अलग से ये चीज़ ना दिखे, इसलिए उसको स्क्रैच करके थोड़ा शैम्पू की मदद से उसको बराबर कर दिया जाता है, देख सकते हैं आप लोग। तो वो बिल्कुल भी अलग से दिखेगा नहीं आपका, जो कि बहुत अच्छी बात रहने वाली है। तो अगर आपके भी फ्रंट के जो LED हेडलैम्प का जो ऊपर का वाइजर है उस पर अगर स्क्रैचेस आ गए हैं तो आप भी कोटिंग करा सकते हैं। आपको 4 से 5 कोटिंग के डिज़ाइन देने को मिल जाएंगे, 4 से 5 कलर कॉम्बिनेशन देने को मिल जाएंगे, लेकिन हमने ये मैट वाला पर्सनली पिक किया है। मैट वाला इस नेवी ब्लू कलर पे ज़्यादा जच रहा है, ज़्यादा सही लग रहा है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। देख सकते हैं ये मैट वाला, मैट हमने ब्लैक कलर चूज़ किया है। ब्लैक कलर एक नॉर्मल ऑर्डिनरी कलर होता है, एकदम नॉर्मल कलर होता है जो कि आपको हर शॉप पर अवेलेबल हो जाएगा। तो देख सकते हैं, फिर हम चलिए इस प्रोसेसर को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आप कैसे करवा सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हीट गन जो बोली जाती है, हीट गन की मदद से इसको हीट किया जाएगा, उसके बाद इसको बराबर स्क्रब करके लगा जाएगा। देख सकते हैं हीट गन की जो मदद होती है उसके थ्रू इसको पूरा अच्छे तरीके से मेल्ट किया जाएगा और अच्छे तरीके से लगा दिया जाएगा। कहीं भी कोई भी आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, बहुत ही ईजिली आप करवा सकते हैं। और लगभग ₹100 में, ₹150 में बहुत अच्छा मॉडिफिकेशन है, लगभग हमने इसका ₹120 के आसपास पे किया है। तो आप बिल्कुल करवा सकते हैं अपने हिसाब से, आप जहाँ चाहें वहाँ करवा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसको आप बिल्कुल ही इजीली करवा सकते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ पूरा प्रोसीजर कैसे आप करवा सकते हैं। देख सकते हैं आराम से हीट गन की मदद से उसको पूरा अच्छे तरीके से स्टेबल किया जाता है। देख सकते हैं पूरा हीट गन की यूज़ किया जाएगा और उसके थ्रू उसको बराबर पूरा सेट कर दिया जाएगा। जो भी आपकी होंडा की बैचिंग रहती है उसको भी प्रॉपरली कट कर दिया जाएगा। देख सकते हैं एकदम आराम से नॉर्मली, ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं। अगर बात कर लें इस टाइमिंग में कितना टाइम लगेगा तो लगभग 10 मिनट्स के आसपास टाइमिंग लगती है, ज़्यादा नहीं लगती है। हमारा जो वर्क था टोटल 20 मिनट्स में कंप्लीट हो गया, 10 मिनट थोड़ा बहुत वेटिंग टाइम लग गया, बाकी कोई भी ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है। बिल्कुल ही आराम से करा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी होंडा इसमें थोड़ा फ्रंट से अच्छा लुक मिल जाए या कभी स्क्रैचेस कुछ आ गए इस गाड़ी के फ्रंट के वाइजर के ऊपर, तो बिल्कुल आप आराम से इसे लैमिनेशन करवा सकते हैं, लैमिनेशन बोल सकते हैं या कोटिंग बोल सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, या स्टिकर्स भी बोला जाता है, आप बिल्कुल ही आराम से करवा सकते हैं। दे सकते हैं इसको पूरा बराबर सेट किया जाएगा ताकि कोई भी प्रॉब्लम है, इशू देखने को ना मिले इन फ्यूचर आपको, एकदम अच्छे तरीके से। दे सकते हैं इसको पूरा अच्छे तरीके से हीट गन की जो यूज़ है उसको बिल्कुल प्रॉपरली यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। हीट गन का बहुत ही अच्छे तरीके से उपयोग किया गया है और बहुत अच्छे तरीके से इसको मेल्ट किया गया है, जो ये देख सकते हैं जो प्लास्टिक होती है, और इसको बहुत अच्छे तरीके से फिनिश दी गई है। तो आपको 5 से 6 कलर कॉम्बिनेशन अभी हमारे जो ये शॉप है यहाँ पे अवेलेबल थे। तो हमने ये मैट कलर वाला यूज़ किया है, देख सकते हैं मैट कलर की मदद से आपको देख सकते हैं जो फ्रंट में लुक देखने को मिलेगा वो बहुत ही दमदार लुक देखने को मिलेगा, और नाइट में थोड़ा आपको अच्छे इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। बाकी जो स्क्रैचेस की बात आती है, स्क्रैचेस कुछ भी इस पर आपको नहीं लगने वाले हैं, जो कि बहुत बेस्ट चीज़ इसके बारे में। तो अगर आप भी सोच रहे हैं होंडा अपनी एसपी में कुछ भी थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कराने का, तो बिल्कुल आप ये एक चीज़ करवा सकते हैं। आप बिल्कुल ही आराम से, ज़्यादा पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। और नॉर्मल अगर स्क्रैचेस लगते हैं, मान लीजिए क्योंकि जो फ्रंट का जो होता है ये होता है और जो टैंक होता है इस पर बहुत ही मेनली स्क्रैचेस लग जाते हैं, तो हम टैंक का भी लैमिनेशन आपको कुछ टाइम में दिखाने वाले हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो एक बड़ा वीडियो बनने वाला है, उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। देख सकते हैं ये वीडियो हमारा, देख सकते हैं कटिंग इसका हो जाएगा साइड से पूरा अच्छे तरीके से, और इसके बाद इसके जो कॉर्नर है उस पर आपको एक रेडियम भी लगा दिया जाएगा ताकि कोई भी आपको दिक्कत ना आए, और कहीं से भी कॉर्नर जो होता है वहाँ से कहीं से भी ये जो टेपिंग है या जो भी इसको लैमिनेशन किया गया है वो कहीं से भी निकले ना। तो देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपरली बहुत अच्छे तरीके से कट किया गया इसे, और आराम से बिल्कुल ये निकल भी जाता है प्लास्टिक या जो भी आप बोलें लैमिनेशन वाली जो पन्नी होती है, जो प्लास्टिक होती है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल आराम से इसे निकाल दिया, देख सकते हैं। और एक ये होंडा इसमें बहुत अच्छा मॉडिफिकेशन है, अगर आप चाहते हैं करवाना तो बिल्कुल करवा सकते हैं। कोई भी अगर स्क्रैचेस आपके फ्रंट पे लग गए हैं और आपकी गाड़ी की जो लुक है उसको ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि जो मॉडिफिकेशन है हमारी गाड़ी में जो फ्रंट में थोड़े बहुत स्क्रैचेस लग गए थे इसके हेड के ऊपर, जो इसका LED हेडलैम्प होता है उसके ऊपर, इसलिए हमने ये मॉडिफिकेशन करवा लिया ताकि जो लुक है वो गाड़ी ख़राब ना हो और गाड़ी हमारी पहले की तरह ही बेहतर दिखे, जैसी पहले दिखती थी। तो देख सकते हैं बहुत ईजिली ये स्टेप हो जाते हैं, और यहाँ पे जो होंडा की बैचिंग रहती है उसको बहुत आराम से कट भी कर लिया जाता है ताकि कोई भी प्रॉब्लम इन फ्यूचर देखने को ना मिले। आप चाहें तो अपनी होंडा की जो बैचिंग उसको हटवा भी सकते हैं। बाकी हमने जो फ्रंट से इसको कट करवा लिया था, जो होंडा की हमें बैचिंग देखने को मिलती है, और ये देख सकते हैं जो आपको मैंने बताया जो रेडियम लगा दिया जाता है कॉर्नर कॉर्नर पर, जो टेपिंग होती है रेडियम की,
तो इससे बहुत अच्छा ये रहता है कि जो पानी होने से कुछ भी इफेक्ट्स आपको देखने नहीं मिलते हैं, और जो होंडा की बैचिंग होती है उसे कट कर दिया जाता है यहाँ से, और बिल्कुल आराम से जो आपकी बैचिंग है वो भी क्लियरली शो होती है। तो यहाँ भी कोई आपको इशू देखने नहीं मिलता है, आप चाहें तो इसे छुपा भी सकते हैं, मतलब आप इसे हाइड भी करवा सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन हम कट करवा दे रहे हैं। जो होंडा की आपको बैचिंग देखने को मिलती है होंडा कंपनी की, जो कि बिल्कुल से पता चलता है कि हमारी गाड़ी होंडा कंपनी की है, तो देख सकते हैं बहुत ईजी यहाँ से कट करवा सकते हैं और कोई भी आपको इशू देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही आराम से काम किया जाता है और बहुत अच्छे तरीके से आप काम करवा सकते हैं। हड़बड़ी बिल्कुल मत करिएगा कि कुछ इशू हो जाए, कोई दिक्कत परेशानी आ जाए, देख सकते हैं जो होंडा की बैचिंग है वो भी क्लियरली यहाँ शोन हो गई है। तो बिल्कुल अगर आप चाहते हैं अपनी गाड़ी में ऐसे कुछ मॉडिफिकेशन कराना तो बिल्कुल करा सकते हैं, बहुत ही कम कॉस्टिंग में आराम से बिल्कुल ये हो भी जाता है सक्सेसफुली। फ्रेंड्स यही एक डिटेल्ड वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जाएं, ताकि आगे भी मैं आप सभी के लिए और भी ऐसी वीडियो लेके आता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सबको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके कैसे वो अपने होंडा एसपी में बिल्कुल ईजिली मॉडिफिकेशन करा सकते हैं, जो चाहें उसके अपने हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत ईजी स्टेप्स में बहुत ही आराम से हो सकता है। तो एक बेस्ट मॉडिफिकेशन है, कम कॉस्ट में कहीं पे इसके 80 रुपये लगते हैं, कहीं 100 रुपये लगते हैं, कहीं 150 लगते हैं, कहीं कहीं आपको मैक्सिमम 150 रुपये तक भी आपको इसके लिए पे करने पड़ सकते हैं, 150 और 200 के आसपास भी पे करने पड़ सकते हैं। तो बिल्कुल अगर आप चाहते हैं, वो डिपेंड करता है लैमिनेशन पेज के ऊपर, कौन सी लैमिनेशन पेज है, हमने मैट को चूज़ किया था पर्सनली, थोड़ा मैट की कॉस्टिंग ज़्यादा थी, अगर आप सिंपल लेंगे तो 20-30 रुपये आपको कम पड़ जाएगा, तो बिल्कुल आप लोग करवा सकते हैं इसको बहुत ईजी। और बाकी अगर आप सभी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे इंस्टा पर डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं ऐसे कुछ और भी अपडेट के लिए, कि हम अपनी जो होंडा एसपी उसमें और भी मॉडिफिकेशन कराने वाले हैं, तो बिल्कुल आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर जाएँ। थैंक यू।